नमस्कार दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर का हम एक शानदार सा टॉपिक टेंस करेंगे। वो कंपटीशन लेवल और स्कूल लेवल पर देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं राजेंद्र सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैथ्स विद सुनील गुणपाल पर। आइए टेंस और टेंस के पार्ट समझेंगे हम पूरे। टेंस को पढ़ने के लिए पहले हमें वर्ब की फॉर्म्स जाननी जरूरी है। वर्ब वैसे तो 5 प्रकार की होती है, पर इम्पोर्टेंट तीन है वो वर्ब की फॉर्म हमें जरूरत होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फोर और जो फोर्थ फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने पर बन जाएगी, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे एस साथ में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। पहले टेंस की परिभाषा पढ़ेंगे। टेंस ये ग्रामर का शब्द है जो वर्ब की फॉर्म की ओर संकेत करता है, वर्ब की फॉर्म की संकेत करता है, यानी वर्ब की फॉर्म के अनुसार टेंस बदलता रहेगा। इन वर्ब फॉर्म्स क्रिया के रूप द्वारा समय दर्शाए जाते हैं, यानी समय प्रेजेंट वर्तमान समय को दर्शाता है और पास्ट भूतकाल समय को दर्शाता है। और फ्यूचर तो टेंस नहीं था, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस मॉडल से बना हुआ फ्यूचर टेंस है। विल सेल जो मॉडल है उसके अनुसार फ्यूचर टेंस बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में टेंस के कितने रूप होते हैं? 2 ही रूप दिखाए गए हैं अंग्रेजी भाषा में, यदि सही तरीके से पढ़े तो। पहला रूप है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। यदि दूसरा टेंस पढ़े तो पास्ट टेंस है, वो भूतकाल कहलाता है। फ्यूचर टेंस है वो समय के अनुसार बना है, यानी मॉडल से बना है, वो आगे पढ़ेंगे। समय क्या है? समय परेशान करता है समय, क्योंकि जिस वो जो कार्य है एक्शन यानी कार्य जिस समय पर होता है वह क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। यदि कार्य कोई वर्तमान समय में हो रहा है तो वो वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, यदि बीते हुए समय में हो रहा है तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा, और जो आगे होने वाला है वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। टाइम क्या होता है? टाइम टेंस के विपरीत टाइम ग्रामर का शब्द नहीं है, यानी समय है वो टाइम एंड टेंस साथ में लिखते हैं बुकों में, पर टाइम है वो ग्रामर का शब्द है ही नहीं ग्रामर का। व्याकरण की दृष्टि से ये एक सार्वभौमिक शब्द है, यानी व्याकरण की दृष्टि से सरल बनाने के लिए एक सार्वभौमिक शब्द लिया गया है। टाइम तो हर सेकंड, हर मिनट, हर वर्ष मतलब बदलता रहता है। जिस प्रकार से समय बदलेगा वैसे वैसे टेंस बदल जाएगा। ये एक सरल रेखा में समय को 3 भागों में बांट सकते हैं। यदि समय को देखें तो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट है, और मेरा हर पिछला शब्द क्या कहलाएगा? पास्ट, यानी मैं पिछला जो शब्द और बोले जा रहा हूँ वो हर एक पिछला शब्द भीतर मतलब भूतकाल में जाया जा रहा है, यानी वो पास्ट में चला जाएगा। और जो आगे आने वाला है टेंस वो है फ्यूचर यानी भविष्य, पास्ट भूत यानी बीते हुए समय, बीता हुआ समय, और प्रेजेंट यानी वर्तमान जो अभी चल रहा है। प्रत्येक टाइम को प्रकट करने वाले वर्ब के फॉर्म के अनुरूप टेंस कहा जाता है। मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ ये आप साथ साथ लिखते जाइए। ले लिए वो स्क्रीन शॉट। हाँ, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जो टेंस है उसके टाइप है यानी टेंस ऑफ टाइप, टेंस के प्रकार यानी काल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो बता दूं। यानी काल हिंदी में पढ़ जाए तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान, टेंस यानी काल। वर्तमान काल
वर्तमान काल यानी जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल कहलाएगा। दूसरा टेंस है वो है पास्ट टेंस यानी जो समय बीत गया वो भूतकाल कहलाएगा। जो समय आगे आने वाला है फ्यूचर टेंस कहलाएगा, यानी भविष्य काल यानी कोई घटना भविष्य में होने वाली है वो भविष्य काल कहलाएगा। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए, मुख्यतः प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस के चार भाग है, तीन टेंसों के चार भाग कितने हो गए, कुल 12। तो 12 भाग हम पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे 12 भाग कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने। तो हर टेंस के कितने भाग बताए, 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे समय बताया था यदि वर्तमान में चल रहा है तो प्रेजेंट, भूत में पास्ट और भविष्य तो फ्यूचर हो जाएगा। तो पहला है हमारा, हर टेंस का अलग अलग 4 भाग होंगे, कौन से देखो। पहला है सिंपल, सिंपल को कहते हैं इनडेफिनाइट। दूसरा देखें तो कंटिन्यूस। तीसरा देखें तो परफेक्ट। चौथा देखें तो परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हर टेंस के साथ जुड़ेंगे चारों जो प्रकार है। सिंपल यानी इंडेफिनेट यानी वर्तमान में चल रहा है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। कंटिन्यूस यानी लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार होता है यानी चलता जा रहा है। परफेक्ट यानी पूर्ण काम हो गया यानी कोई काम 100% हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस है वो यानी पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है, लगातार चल रहा है यानी परफेक्ट भी हो रहा है, पूर्ण भी हो रहा है और कंटिन्यू यानी लगातार भी चल रहा है यानी चलता ही जा रहा है। ये 100% पूरा नहीं हुआ है पर 100% इसे पूरा मानते हैं। हर टेंस के हम साथ हम 4 भेद जोड़ेंगे। जो अब जैसे प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है तो प्रेजेंट टेंस के हर 4 भाग है। तो प्रेजेंट टेंस का देखो 4 भाग कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का 4 भाग कौन कौन से देखो। पहला भाग है कौन से काल में चल रहे हैं, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के साथ पहला भेद है इनडेफिनाइट। इसको हम यदि सिंपल यानी नॉर्मल भाषा में पढ़ें तो इसे बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सरल साधारण भाषा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा देखें तो प्रेजेंट के साथ कौन सा भेद जोड़ देंगे, कंटिन्यूस। तीसरा देखें तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। इसी प्रकार पास्ट टेंस के 4 भाग हो गए, वो पास्ट टेंस में पढ़ेंगे हमें। अब देखो प्रेजेंट टेंस यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म यानी फॉर्म ऑफ फर्स्ट जो वर्ब की है उसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हमें पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब के 3 रूप है। पहले रूप को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, दूसरे रूप को पास्ट फॉर्म और तीसरे को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हम प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग इस प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे। कुछ इसके भेद है, भेद में हम साइक्रिया में बता देता हूँ, इनके कुछ सूत्र है वो बता देता हूँ। अब प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट
इंडेफिनाइट यानी उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम अब सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो सूत्र है यानी जिसे पैटर्न कहते हैं हम फॉर्मूला, वो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना उसको। सिंपल पहला भाग था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये टेंस को एकदम सरल बना देगा आगे, ये सूत्र याद हो गए तो। पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब है मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इस प्रकार इस पैटर्न में इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं सूत्र लिख रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में मैन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कहीं में मैन वर्ब नहीं दी होगी, हेल्पिंग वर्ब दी गई, हेल्पिंग वर्ब दी हुई तो मैन वर्ब नहीं दी, कई कई टेंस ऐसे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है यानी थोड़ा बहुत साथ दे सकती है, मैन वर्ब है वो मुख्य क्रिया है वो तो आती है टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र है, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने दो फॉर्म लिख दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगेगा वो भी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे एस या ई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ना तो आसान हो जाता है, पर ई एस वही जोड़ता है जो नंबर पड़ गया है पीछे, सिंगुलर और प्लुरल बनाना वो वही जोड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तो जोड़ देंगे, जैसे बुक का बनाना है कोई वर्ब है वर्ब के साथ जोड़ना है, यानी प्ले, प्ले के साथ एस जोड़ दिया, यानी वाई से पहले क्या आ गया था सौर आ गया इसलिए एस लगाया है। वाई से पहले यदि व्यंजन आ जाए तो वाई को हटा दिया जाता है और आई, आई का प्रयोग करते हैं बाद में एस लगाते हैं। अब ई एस कहाँ लगता है नोट लिख के, नोट करके लिख लीजिए, यदि कुछ शब्दों के अंत में के अंतिम अक्षर, के अंतिम अक्षर एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस और एस दिया हो, दिया हो अर्थात इनका प्लूरल बनाने के लिए, अर्थात इनका प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ हम, इनके साथ हम एस न जोड़कर, इनके साथ हम एस, एस न जोड़कर ई एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। यानी यदि कोई शब्द या नाउन या वर्ब्स का अंतिम अक्षर एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस एस दिया हो तो उसके साथ हम ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे, इसी प्रकार वर्ब बनाएंगे। यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे एस या ई एस लगाएंगे। अब देखो मैं कुछ शब्द है उसके प्लूरल बना के दिखाता हूँ। यानी गो है, गो वर्ब है यानी जाना, गो का अंतिम अक्षर क्या है ओ, अंतिम अक्षर क्या है ओ, तो ओ है तो मतलब एस तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा ई एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा गोच। और ये वर्ब किसके साथ प्रयोग करेंगे यदि कर्ता सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे एस या ई एस फॉर्म वाली वर्ब प्रयोग मिलेंगे, उसे वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ फिफ्थ
और कुछ भी रूल है जो मैं आगे लिख देता हूँ। था सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ई एस बता दिया मैंने, ई एस यानी अंतिम अक्षर क्या दिया होगा, एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस ये दिया होगा, तो क्या बना देंगे उसका प्लुरल बना देंगे हम। प्लुरल देखो अब अंतिम अक्षर क्या दिया हो, कोई मीनिंग मतलब कोई वर्ब्स का अंतिम अक्षर क्या दिया हो, वाई, और वाई से पहले क्या दिया हो, कोई सौर यानी सौर वोवल। सौर कितने होते हैं, पाँच, ए ई I O U। यदि Y से पहले ये सौर आ जाए तो Y को बिना हटाए क्या लगा देंगे हम अंतिम अक्षर, जैसे बॉय, बॉय में अंतिम अक्षर Y है, Y से पहले इन पांच सौरों में से आ गया तो मतलब Y को बिना हटाए क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। और Y से पहले, यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो यानी व्यंजन दिया हो, यानी वोल यानी सौर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, यानी जो अल्फाबेट है हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में कुछ 26 अक्षर होते हैं लगभग, तो 26 अक्षरों में क्या होगा, 26 अक्षरों में पांच सौर निकाल के बाकी जो अक्षर बचते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन। व्यंजन है तो यदि वाई से पहले कोई व्यंजन दे दिया, जैसे के एल एम इनमें से कोई व्यंजन दे दिया, तो वाई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और वाई को हटा कर क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, जैसे बेबी, बेबी यानी बच्चा। यदि इसका प्लूरल बनाना है, एक से ज़्यादा बनाना है, तो वाई के पहले देखेंगे, वाई के पहला अक्षर क्या है यानी पहला वर्ड जो है वो व्यंजन है, तो वाई को क्या करेंगे, पहले हम हटाएंगे, वाई को हटा दिया, और वाई को हटा कर क्या लगा देंगे हमें, आई ई एस। ये तो वाई का रूल था, यानी वाई वाला नियम था। यदि अंतिम अक्षर क्या दिया हो, एफ या एफ ही, क्या दिया हो, एफ या एफ ही, इसका यदि प्लूरल बनाना है, चाहे वर्ब दी हो, चाहे नाउन दिया हो, चाहे प्रोनाउन दिया हो, तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इनकी जगह क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। जैसे के एन आई एफ ई, नाइफ है, नाइफ का अंतिम अक्षर देखें तो ध्यान से क्या दिया है, एफ ई दिया है, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे और इनकी जगह क्या लगा देंगे, वी ई एस। और जैसे वाइफ हुआ, वाइफ में भी क्या आ रहा है, एफ ई, तो हम क्या करेंगे, एफ ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो वाइफ्स यानी पत्नियां हो जाएगी। जैसे वोल्फ, वोल्फ का प्लुरल बनाना है हमें, डब्ल्यू ओ एल एफ, अंतिम अक्षर अब एफ ई नहीं दिया है तो क्या दे दिया, एफ, तो हम क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे, एफ को हटा कर क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। अब देखो एफ या एफ ई हमारा कम्प्लीट हो गया है रूल, जो कम्प्लीट हो गया है रूल एस ओ ई एस वाला और वाई वाला वो भी कम्प्लीट हो गया है। अब कुछ रूल और है वो नंबर में बढ़ा दूंगा या टेंस में। अब आगे चलें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सूत्र है हम पढ़ रहे थे, आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। मैं कुछ सब्जेक्ट लिखता हूँ सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, थर्ड सब्जेक्ट यानी थर्ड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो लगभग क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनमें से सिंगुलर देख ले, ही, सी, इट, ये जो थर्ड पर्सन है ये क्या होते हैं, सिंगुलर। ही वह, ही का अर्थ भी वह होता है, सी का अर्थ भी वह होता है, और इट का अर्थ भी कहीं कहीं वह होता है। यदि इनको अलग अलग पढ़ें तो ये होता है आदमी खातर यानी मनुष्य खातर काम में लिया जाता है, पुरुष खातर, पुरुष की, और सी, सी पढ़े तो ये स्त्री यानी वुमन, ये मैन या मेल नर के लिए, और स्त्री यानी वुमन या फीमेल के लिए यूज में लिया जाता है। और इट को पढ़े तो ये एनिमल यानी जानवर, तथा जो निर्जीव वस्तु है यानी जो सांस नहीं ले सकती उनके लिए क्या प्रयोग काम में लेते हैं, हम इट का प्रयोग काम में लेते हैं। ये तीनों जो तीन मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ आएगा, एस या ई एस लगा हुआ आएगा। कुछ शब्द है जैसे व्यक्ति का नाम हुआ,
स्थान का नाम हुआ, कोई दर्शनीय स्थल का नाम हुआ, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे राम, राम भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, ये भी क्या होगा, सिंगुलर। सीता, बुक, जयपुर, चूरू आदि, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ होगा, एस या ई एस। मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ इधर साइड में, जैसे एग्जांपल लें तो, एग्जांपल लें तो देखें, यदि सब्जेक्ट हो गया बॉय, यदि हम सूत्र के अनुसार चले सब्जेक्ट आ गया बॉय। अब सब्जेक्ट देखना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होगा, एस या ई एस लगा होगा, यानी गो की वर्ब वर्णिदिनी है, टू प्रीपोजिशन है साथ में, आपको गो पर, जो गो वर्ब है इस वो वर्णित यानी ब्लैंक्स में दे दी। तो अब पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, यानी एक ही लड़का है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस। अब गो का अंतिम अक्षर देखिए, ओ दिया है तो ओ आते हैं, हम क्या लगाएंगे, ई एस। और आगे ये ऑब्जेक्ट हो गया, और टू क्या हो गई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे शानदार तरीके से। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन यानी टू। टू का प्रयोग या स्थान को दर्शाने के लिए किया गया है। अब आगे चलें तो हम प्लुरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब आगे है प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट को ध्यान से देखें तो प्लुरल यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या दिया हो, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लुरल दिया हो तो क्या करेंगे। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस लगा, याद रखने का तरीका है, वैसे कोई ग्रामर में रूल नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगाएंगे, यदि कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर यानी सिंगुलर से याद रह जाएगा, सिंगुलर का प्रथम अक्षर क्या है, एस। और इनका भी प्रथम अक्षर यानी अंतिम अक्षर देख लेंगे, एस दिया है तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस वाली किसके साथ यूज कर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब प्लुरल सब्जेक्ट बाकी बच गई, यानी सूत्र में क्या दिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो किसके साथ प्रयोग हो जाएगी, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ, यानी कुछ सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट समझने समझाने के लिए क्या बनाई है, पर्सनल प्रोनाउन की जो सारणी बनाई है, इंडेक्स को ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, कौन कौन से, देखो प्रोनाउन आता है एक तो आई, एक वी। ये कौन से केस में है, सॉरी ये है सब्जेक्टिव केस में, आई यानी मैं और वी यानी हम। इनका पजेसिव केस देखें तो आई माई, माई पजेसिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आई माई मी। और यदि वी का पजेसिव केस देखें तो आवर, ऑब्जेक्टिव केस देखें तो अस। अब सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक ही आता है, ध्यान से देखें सब्जेक्टिव केस में, यू, यू का पजेसिव केस होता है यूअर, ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। ये हो गया सेकेंड पर्सन कंप्लीट, ये फर्स्ट पर्सन। अब थर्ड पर्सन में देखो कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट में, ध्यान से पढ़ेंगे तो एक आ गया ही, सी, इट और दे। ही का पजेसिव केस होता है हिज और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी का पजेसिव केस होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, समान होता है इसका। इट का इट्स, इट और दे का होता है दे, दियर, देम। अब मैं इस सारणी में समझा दूँ, चल बोले, हाँ तो इस सारणी में बता दूँ कि ये जो फर्स्ट पर्सन में कौन प्लुरल है कौन सिंगुलर है वो देख लो। आई को प्लुरल माना जाता है लगभग, वैसे सिंगुलर की तरह दिखाई देता है, आई क्या है प्लुरल, वी भी क्या है प्लुरल, इसके ऑब्जेक्ट भी ध्यान रखने हैं, मी, आई माई मी, वी आवर अस। सेकेंड पर्सन में ये यू एक ही है, ये तो प्लुरल है, यानी यू का मतलब क्या होता है, तुम एक से ज़्यादा होते हैं। ही क्या होता है सिंगुलर, मैंने बताया ही पुरुष के लिए काम यूज में लिया जाता है,
और सी सी स्त्री के लिए काम में लिया जाता है, वही अंतर वह अर्थ होता है इसका, ये भी सिंगुलर है। इट इट जानवर के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यूज में होता है, ये इसका अर्थ भी वह और ये होता है। दे प्लुरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में, दे क्या है प्लुरल सब्जेक्ट है। ध्यान से देखेंगे तो आई आई वाली जो सारणी है एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आएगी, रिपोर्टेड स्पीच में काम आएगी। अब ध्यान से देखना है, देखो मैं बोल रहा हूँ याद करेंगे साथ साथ में, आई माई मी वी आवर अस यू यूर यू ही हिज हिम सी हर हर इट इट्स इट दे देर देम। अब फर्स्ट पर्सन में याद रखना है कौन कौन से आते हैं, आई और वी। आई का कौन सा है, आई का पजेसिव केस है माई, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और जो वी है वी का पजेसिव केस क्या होता है आवर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस। सेकेंड पर्सन में यू, यू का पजेसिव केस यूअर, ऑब्जेक्टिव केस यू, और ही का पजेसिव केस है वो हिज है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। सी का पजेसिव केस हर है और ऑब्जेक्टिव केस हर है। इट का इट्स पजेसिव केस और इट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान होता है, कोई बात नहीं, रेडी है चलो। फर्स्ट पर्सन में आई आई पढ़ा दिए, अब टेंस में पढ़ेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वापस आ रहा हूँ मैं। जो अगला पार्ट है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, और जो चैनल है हमारा मैथ्स विद सुनील गुणपाल और वर्ड गुरु उसको सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।